या आजी नातीच्या जोडीनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचं नाव मोठं केलंय. हरियाणातील गुरुग्राम मध्ये राहणाऱ्या 60 वर्षीय गीता गोदारा आणि त्यांची 13 वर्षांची नात आशिका गोदारा या दोघींनी 30 एप्रिलला दुबईमध्ये आंतरराष्ट्रीय कराटे चॅम्पियनशिपमध्ये रौप्य आणि सुवर्ण पदक पटकावलंय. जसे अनाउन्समेंट होई की गीता गोदारा सेकंड पोजिशन, तो मैं मतलब मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. जब मेरे को और दादी को ट्रॉफी दिया एंड मेडल दिया, दैट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि दादी का ये फर्स्ट टूर्नामेंट था, वो भी इंटरनेशनल, सो शी इज सो लकी. साधारणपणे वयाच्या ज्या टप्प्यावर लोक निवृत्ती घेतात त्या वयात गीता यांनी आपल्या आयुष्याची नवी इनिंग सुरू केली. कराटे शिकून त्यांनी त्यांचं बालपणीचं स्वप्न पूर्ण केलंच आहे, शिवाय या खेळाभोवतीची पारंपरिक चौकटही त्यांनी मोडीत काढली आहे. ये सपना वैसे तो बचपन से ही था मेरा कि मैं ऐसा कुछ करूं, मतलब जैसे कहीं आर्मी में होती या मैं कहीं कमांडो कुछ ऐसा मैं होती. गांव में तो 5 तक का जैसे स्कूल था, बस मैं उतना ही, और बाकी जैसे बच्चों को पढ़ाते तो मैं साथ साथ पढ़ती थी इंग्लिश और ये सब जो भी जितना मतलब सीखने की मैंने कोशिश करी ये सब. मतलब शादी के बाद बच्चे होने के बाद जो मेरा सपना था आर्मी में कमांडो ये सब जैसे लड़कियों को देखती हूँ वो सपना था, तो वो मेरा पूरा हो गया. गीता आपल्या नातीला कराटे क्लासेसला घेऊन जायच्या, मात्र आशकाला कराटे करताना पाहून त्यांनाही कराटे शिकण्याची इच्छा झाली. तो मैं सोचती थी कि ये जो मैंने नहीं करा वो मेरी पोती कर दिखाए, तो मैं इसको कराटे ज्वाइन करवाए. फिर वहाँ इसको देखती थी मैं, बाकी बच्चों को भी देखती थी, तो फिर मेरे को ये लगा कि तू भी कर, ये जैसे फाइट कर रहे हैं बच्चे. तो फिर मैं सर से ऐसे ही पूछा कि सर मैं ये कर सकती हूँ, कुछ उम्र का तो ऐसा नहीं है? सर ने बोला कि नहीं, उम्र का कुछ नहीं है, आपके अंदर अगर जोश है, हिम्मत है, एनर्जी है, तो आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते. तो फिर मैंने ये ज्वाइन कराटे करने से मतलब काता करना शुरू किया. नववीत शिकणाऱ्या आशिकानं 2 वर्षांपूर्वी कराटे प्रशिक्षणाला सुरुवात केली. तेव्हापासून आतापर्यंत तिनं राष्ट्रीय पातळीवरची 12 पदकं आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची 3 पदकं जिंकली आहेत. हाँ, स्टार्टिंग में मेरे को बहुत बोरिंग सा गेम लगता था कि ये करा क्या है, ये पंच करना है, ये सब, ये तो सिंपल ही है, ये तो कोई भी कर लेगा. तो बट धीरे धीरे फिर मेरा इंटरेस्ट बोल्ड हुआ और सर ने भी मेरे को काफ़ी न्यू टेक्निक सिखाई थी. स्कूल में सब मेरे को लाइक नूब नूब करके चढ़ाते थे एंड स्किनी एंड ऑल, बहुत कमज़ोर थी मैं स्टार्टिंग में. अब मैं काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ जब से मैंने कराटे गेम ज्वाइन करा है, और अब स्कूल में सब मेरे को बोलते द कराटे चैम्प, द कराटे चैम्प, एंड नाउ आई एम लाइक पॉपुलर इन माई स्कूल. आजीनं कराटे शिकायचं ठरवलं तेव्हा आपल्याला ते विचित्र वाटलं होतं असं स्वतः आशिका सांगते. स्टार्टिंग में जब मैं दादी के साथ अकेडमी में आती थी, मेरे को काफ़ी एम्बेरस्ड फील होता था. कई लोग मेरे को लाइक जो जितने भी हैं वहाँ पर स्ट्रेंज लुक दे के जाते थे, एंड आई वॉज फीलिंग सो एम्बेरस्ड. बट अब जब मैं जाती हूँ दादी के साथ अकेडमी, मेरे को काफ़ी प्राउड फील होता है, एंड जो लोग मुझे स्ट्रेंज लुक दे के जाते थे वो ही अब मेरे को प्राउडली देखते हैं और मेरी दादी को. कराटे प्रशिक्षक सुनील सैनी हे 15 वर्षांपासून कराटे शिकवतात, मात्र 60 वर्षांचा एखादा विद्यार्थी त्यांच्याकडे पहिल्यांदाच आलाय. दरअसल क्या है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज कब था कि मैंने इस एज का पहली बार मेरे पास एक पर्सन आया. इस एज के अंदर स्टेमिना और बैलेंसिंग बहुत कम होती है. स्टार्टिंग में आंटी आई, थोड़ा नर्वस थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के चेहरे पे था. स्टेपर्स करना, कार्डियो करना, रोप करना, पुशअप्स करना, यहाँ तक कि ऐसी ऐसी ट्रेनिंग है जो इस एज के अंदर कोई नहीं कर पाता. लेकिन आंटी बिल्कुल फ्री माइंड होकर हर एक्टिविटीज़ को बहुत ही सॉफ्टली तरीके से कर देती है. आता या आजी नातीच्या जोडीचं स्वप्न आहे ऑलिम्पिकमध्ये खेळायचं.